जरा भी आवाज ना होने पाए वरना कुछ दिखाई नहीं दिखाई नहीं कैप्टन जी जो मारवा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नया दिन और आज हम तैयार हो गए हैं। आज हम जा रहे हैं सारे के सारे घूमने, सारे के सारे तो नहीं, मम्मी मैं और रुचि, हर्षित गया हुआ अपना लैब में, डैडी अपना मना कर रहे थे, तो हम दोनों सब जा रहे हैं घूमने। कहाँ पे जा रहे हैं रुचि? ये रुचि भी तैयार हो गया है। रुचि क्या हाल है? ये रुचि हमारी दिल्ली से टॉप्स लेके आई हैं, बहुत सारे टॉप्स। हमको पहले दूध बिस्कुट खिला रही है, फिर हम चलेंगे मैजिक शो देखने। चार होने में टाइम है, मैं सोचा कार ही ले आऊँ। जिनके घर खड़ी करते हैं उनका डेयरी का काम है, तो वो डेयरी वेरी में ना हो इसलिए फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, कार ले आएंगे, यहीं खड़ी कर देंगे बाहर। हम जा रहे हैं, ओपी शर्मा का शो लगा है, मैजिशियन है, मैजिक शो है, तो हम वो देखने जा रहे हैं सारे, बहुत ही बड़ा मज़ा आएगा। तो चलो चलते हैं। तो जी हम कार ले चुके हैं, अब चलते हैं, पहले घर पे ही चलते हैं, सीधा रुचि ओरी को पिक कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। 7 बजे का शो है, 6:30 तो हमारे यहीं पर ही बज चुके हैं। खड़ी कर दी, अब देखते हैं हमारी रुचि तैयार है या नहीं है। सात बजे हमारा शो है, 7:45 हमारे हो चुके हैं। बच्चे हमारे आ गए हैं पीछे, ये माता जी भी आ गई हमारी। चलें, चलो जल्दी बैठो। चलो जी अब हम आ चुके हैं ओपी शर्मा के शो पर। तो कैसा लग रहा है ज्योति दीदी? कैसा लग रहा है रुचि? श्यांग का पहला मैजिक शो होएगा। चलो चलते हैं, पहले टिकट ले लेते हैं। टिकट तो मैंने ऑनलाइन बुक करा दी थी, अब हम यहाँ से वो कह रहे थे फिजिकल ले लेते हैं, फिजिकल टिकट जो होती है तो वो ले लेते हैं। चलो ये टिकटॉक के बना रहे हैं। हाँ भाई, क्या हाल है? क्या सीट नंबर क्या है ये हमारे? बस ये 3 है। हाँ। चलो सही है। गाइस हम आए हैं जादूगर ओपी शर्मा के शो पे, हमने ले लिए हैं। कैसा लग रहा है जी? पब्लिक तो बहुत है, काफ़ी है, गाइस बहुत है, पीछे बैठी है सारी पब्लिक। अभी हमारे 7 तो बज चुके हैं, अब देखते हैं कब से ऐसे शुरू होता है। शर्मा जी आ रहे हैं, आ रहे हैं।
होनी ही चाहिए। हाँ नहीं थी तो आगे इस शरीर से आपको हिप्नोटाइज मेस्मराइज और आइस पैरालाइज कर दिया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो एक्चुअल स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो है यूएसए न्यूयॉर्क सिटी। हमारे पास एक पर्दा, तो प्लीज पर्दे को उठाया जाए। इस पोजीशन में आप सभी को ऊपर से आधा स्टैचू दिखाई दे रहा है और नीचे का आधा स्टैचू इस पर्दे से ढका हुआ है। आइए इस स्टैचू को हम और ढकने के लिए पर्दे को और ऊपर उठाते हैं। और अब इस पोजीशन में आप सभी को ऊपर से स्टैचू का मसाला दिखाई दे रहा है। जो दर्शक पीछे हैं उनको ऊपर से इसका सर भी दिखाई दे रहा है। तो लीजिए इस स्टैचू को हम पूरी तरह से ढकने के लिए पर्दे को और ऊपर उठाते हैं। ये क्या
पर्दे की हाइट कुछ कम है और स्टैचू की हाइट ज्यादा है। जब पर्दा ऊपर है हमें नीचे से स्टैचू दिखाई दे रहा है, और जब पर्दा नीचे है तो ऊपर से स्टैचू दिखाई दे रहा है। मतलब साफ है कि इस पर्दे से स्टैचू को पूरी तरह से ढका नहीं जा सकता। जनरली मैजिशियंस यही करते हैं कि किसी भी चीज को गायब करने के लिए पहले उसे पर्दे से ढकते हैं, फिर वो पर्दा उठाते हैं, वो चीज गायब हो जाती है। लेकिन आज हमारे पास तो ये मौका भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो पर्दा है वो इस स्टैचू से छोटा है, इसलिए हमें इसे आपकी नजरों के सामने ही गायब करना होगा। तो प्लीज पर्दे को वापस नीचे लाया जाए। आप लोग जो ये स्टैचू देख रहे हैं, इसे बनाने के लिए पहले हमने स्टील का जाल बनाया, फिर सीमेंट कंक्रीट से पूरा ठोस और मजबूत किया गया, फिर बाहरी फिनिशिंग यानी खूबसूरती देने के लिए इसमें लोग ऐसे आज हम आपकी नजरों के सामने ही गायब करेंगे। Now you see menacing the Statue of Liberty in slow motion. Motion. ये तो मजे ही मजे आ रहे हैं हमारे श्यांग के, हमारे छेलू के मजे ही मजे आ रहे हैं। हमारा छेलू एंजॉय कर रहा है, हमारा श्यांग को एंजॉय कर रहा है। देखो बहुत ही मजे कर रहा है। Hey, come on.
की राजकुमारी काली क्यों है। सितारे सितारे गगन में तुम्हारी राह देख रहे हैं, जो 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 राजकुमारी तुम्हारी पहली इच्छा, पहली इच्छा थी हिंदुस्तान की धरती पर पूरी हो गई। दूसरी इच्छा इसी हिंदुस्तान की पवित्र धरती से स्वर्ग, ध्यान से चलना सारे। ये सारे गोपी शर्मा से मिलने में लगे हैं। चलो गाइस चलते हैं घर की तरफ। चलो भाई एंड यहाँ पे हमने फोटोज खिंचवा ली, अब बढ़िया मज़ा आ गया। चलो जी अब क्या खाना है, यही खाना है या चलें घर। बड़ी पब्लिक है भाई, ये देखो श्यांक के भी मज़े आए हैं, श्यांकू ने भी फुल मज़े लिए हैं। श्यांक है, श्यांकू फुल मज़े लिए तूने। बचपन में हम स्कूल पढ़ते थे और ये वाले ग्राउंड में खेलने आते थे, अब वो रही सामने, अब इसी ग्राउंड में हमारा फंक्शन हुआ है। तुम्हें है कार खुली हुई है, उन्हें खोली है। नहीं आवाज़ तो आई नहीं, टी टी की आवाज़ नहीं आई, सच्ची का आपकी कसम। ये हमारे कबाब आ चुके हैं एंड रोटी वोटी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। रुचि जी हमारी आ गई हैं, श्यांक हमारा पोटी में व्यस्त है। भाई वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, मिलते हैं नए ब्लॉग में। बहुत ही मज़ा आया ओपी शर्मा का शो देखकर, और आपने भी देख लिया होगा कितना ही बढ़िया था। एंड हमारे श्रांक ने भी जरा भी तंग नहीं किया, फुल एंजॉय किया इसने, फुल एंजॉय किया मैंने, हाँ फुल एंजॉय किया। इवन उठ उठ के इतना हंस रहा है उसको उनसे,
और इसने फोटो भी खिंचवाई है ओपी शर्मा के साथ, मैं नीचे डाल दूंगा देखना। तो चलो बस इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय कर दे।